घर में रामचरित मानस है, अगर साथ हैं तो साथ में निशान लगाइए, घर जाकर घर। बिल्कुल अयोध्या कांड की पहली चौपाई दोहे के बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चात, इसके बाद आठ चौपाइयां हैं ज्यादा से ज्यादा। इन आठ चौपाइयों का प्रतिदिन पाठ करिए, प्रतिदिन पाठ करिए, प्रतिदिन पाठ करिए। हमने पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से सुना था, इन आठ मांगलिक चौपाइयों का पाठ जो प्रतिदिन करेंगे, मुश्किल से डेढ़ दो मिनट लगता है इतना पाठ करने में, बस ज्यादा ज्यादा दो मिनट। इस दो मिनट के पाठ को जो प्रतिदिन करेंगे, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, उनके घर में अमीरे कितनी आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, ये गारंटी है। चौपाई अमीरी कितनी आएगी ये नहीं बात, लेकिन उनके घर में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी। आज मेरे साथ गाइए, कल से फिर अपने स्थान पर अपने गांव में जाकर गाइए, मुश्किल से दो मिनट लगेगा। हमारे साथ पहले बजाइए फिर गाएंगे। प्रतिदिन करिए। जब से भगवान विवाहित होकर श्री अवध आए, अयोध्या में उत्सवों की धूम मच गई, नित्य नव मंगल मोद बधाई, नित्योत्सव नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल, लड्डू लुढ़क रहे, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोद माने आनंद और मोद माने लड्डू, लड़ुआ लुढ़क रहे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण सशरीर आकर विराजमान हो, अब कमी किसकी हो।
इतना वैभव इतना वैभव, सुकृत मेघ बरसें सुखबारी, पुण्यों के मेघ पुण्यों के बादल अयोध्या में दिन रात सुखों की घनघोर वर्षा कर रहे हैं। और जब घनघोर वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आती है। पूछा गया कौन सी नदी में बाढ़ आई, सरयू में, यमुना जी में, गंगा जी में, कौन सी नदी में? बोले रिद्धि सिद्धि संपत नदी सोहाई, रिद्धि और सिद्धि की नदियों में बाढ़ आ गई। पूछा कौन से सागर में जाकर मिली है ये, प्रशांत महासागर में, गंगा सागर में, सिंधु सागर में, किसमें मिली? बोले उमगी अवध अम्बुध कहूं आई, अयोध्या रूपी सागर में अपने को उड़ेल रही। इतना वैभव कहीं न जाए कछु नगर विभूति, नगर के वैभव का वर्णन कोई शब्द में कर नहीं सकता, जन इतनी विरंच कर तूती। और अयोध्या के नागरिकों को बंधु और बहनों सबसे बड़ा सुख क्या है, सब विधि सबपुर लोग सुखारी। क्या सुख है? बोले राम चंद्र मुख चंदन निहारी। इतने भोग में, इतने सुख में, इतने वैभव में, इतनी समृद्धि संपत्ति में नित्य भगवान का दर्शन हो रहा है, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है।